पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस के सभागार में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव गुरवर की अध्यक्षता में ऑपरेशन कन्विक्शन को लेकर जिले के सभी थाना पैरोकारों के साथ अहम बैठक आयोजित किया गया। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव गुरवर ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन को और प्रभावी बनाने व अपराधियों को सजा दिलाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के संबंध में आज यह बैठक की जा रही है। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत तमाम अपराधियों को सजा दिलाई जा रही है। एक साल में 125 से ज़्यादा अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। बैठक के दौरान एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह सहित सभी थानों के पैरोकार मौजूद रहे। ऑपरेशन शिकंजा के नाम से चल रहा था, उसी को और बेहतर तरीके से, उसी को और ऑर्गेनाइज तरीके से और अच्छे सुपरविजन के तरीके से टेक्नोलॉजी की मदद लेते हुए मॉडल बनाते हुए ऑपरेशन कन्विक्शन के रूप में इसको पिछले दिनों स्टार्ट किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव गुरवर ने कहा, देखिए जैसा कि आप अवगत हैं कि शासन के निर्देशानुसार और पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ माननीय न्यायालय में हर स्तर पर पैरवी की जा रही है ताकि जो अपराध उनके द्वारा कारित किया गया है उसमें सजा उनको दिलवाई जा सके। इसी क्रम में प्रतिदिन जनपद गोरखपुर में पिछले एक साल से 125 से भी ज्यादा व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है और इसके अलावा काफी ऐसे अपराधी हैं जिनको विभिन्न प्रकार की सजाएं हुई हैं। इसमें जो हमारे विभिन्न हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि हमारे हर थाने पर पैरोकार होते हैं, संबन सेल है, मॉनिटरिंग सेल है, इसके अतिरिक्त हमारे जेडी प्रोसिक्यूशन ब्रांच है, डीजीसी ब्रांच है और बाकी जो अन्य जो हमारे प्रोसिक्यूशन के अधिकारी हैं, इनका एक बेहतर तालमेल सामने आया है। उसी क्रम में आज पुलिस लाइन में इन सभी विभागों की और विशेष रूप से जो थाने के पैरोकार हैं उनकी आज एक मीटिंग यहाँ पर की जा रही है जिसमें आगे इस ऑपरेशन कन्विक्शन को और सफल कैसे बनाया जा सके, जो अपराधी हैं जो लगातार अपराध में सम्मिलित रहे हैं उनको कैसे जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके, चाहे वो माफिया हो या आर्थिक अपराधी हो, हिस्ट्री शीटर्स हो, उनको कैसे सजा दिलाई जा सके। इसके अतिरिक्त आपस में डिपार्टमेंट्स में कैसे कोऑर्डिनेशन और अच्छा किया जा सके, जो पैरोकार जो हमारे हैं उनको क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, कोर्ट में और बेहतर समन्वय कैसे किया जा सकता है, इसी संबंध में आज यहाँ पर चर्चा की जा रही है और हमें पूरी आशा है कि ये जो ऑपरेशन कन्विक्शन जो इस समय पर विभाग की और सरकार की सबसे उच्च प्राथमिकता में है उसको जनपद गोरखपुर में जिस तरह से पिछले 125 साल में बहुत अच्छे तरीके से इसको चलाया गया है, आगे चल के भी इसमें और सजाएं होंगी और जो अपराधी हैं उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, इसी के लिए मीटिंग की जा रही है।